हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। वी आर लॉन्चिंग अवर कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी। और ये जो इक्वेशन आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज हार्ड वर्क प्लस राइट गाइडेंस इक्वल टू सक्सेस, ये यूपीएससी के लिए बहुत रेलिवेंट है। क्योंकि कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स हार्ड वर्क तो करते हैं पर राइट गाइडेंस नहीं होता, तो इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिलती। क्योंकि विदाउट राइट गाइडेंस कई बार आप जो है अननेसेसरी चीजें पढ़ लेते हो या आप हार्ड वर्क सही जगह पे नहीं करते। तो इसी चीज में एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए हम ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए, ये कोर्स किसको लेना चाहिए? देखिए, वो सब लोग जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो मेंस देना देने वाले 100% है, उनको तो लेना ही चाहिए। इनफैक्ट इवन दोस्त जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको भी ये कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अभी से अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर अभी नहीं शुरू किया और डिले करके शुरू करते हो, आगे जाके जब आप सोचो रिजल्ट का वेट करके, तो टाइम बहुत कम बचेगा और फिर आपको होगा रिग्रेट। इसलिए आप अभी से शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, जो लोगों का स्कोर बॉर्डर लाइन पे। साथ में ऐसे भी कई लोग होंगे जो लोगों का स्कोर इतना अच्छा नहीं गया, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आज नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार तो आपको मेंस देना ही है, राइट? सो प्लीज आप भी ये कोर्स ले सकते हैं। आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि ये आपको जो है एक तरीके से गाइडेड वे में पूरा कोर्स कवर करवाएगा। अब कैसे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, लेट मी टेल यू दिस। तो ये पूरा जो आपका जीएस का सिलेबस है, एसे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पूरा सिलेबस एक गाइडेड वे में कवर करवाएगा और एक स्ट्रेटजिक वे में। अब देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं आपको इसका शेड्यूल दिखाऊंगा, और ये शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है? अब आप यहाँ पे प्रोग्राम का शेड्यूल देख सकते हो। तो आप देखोगे कि देखिए, पहली चीज तो इसमें हम स्टार्टिंग ऐसे सब्जेक्ट से कर रहे हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे या प्रीलिम्स से पहले पढ़े नहीं होंगे, जैसे एथिक्स। सो देखिए, आपने एथिक्स अभी तक पढ़ा नहीं होगा या प्रीलिम्स से पहले नहीं पढ़ा होगा, और या अगर पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी की बात करें, वो आपने प्रीलिम्स से पहले कुछ तो पढ़ा है बट एथिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसीलिए इसमें पहले ऐसे सारे सब्जेक्ट लिए हैं जैसे एथिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो लोग जो है पढ़ नहीं पाते, राइट? जो लोग नॉर्मली कवर नहीं कर पाते, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, या जिसको जो है प्रीलिम्स से पहले नहीं पढ़ा। तो पहली चीज तो स्ट्रेटजिक एलिमेंट ये है कि ऐसे एरियाज को कवर कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग कवर नहीं कर पाते प्रीलिम्स से पहले। दूसरी चीज इसमें यह है कि हम 50 to 55 days में, यानी बाय दिसंबर 10, जो है आपका पूरा सिलेबस एक बार विथ फुल मेंटरशिप सपोर्ट, फुल गाइडेंस जो है कवर करवाएंगे, ठीक है? तो पूरा आपका सिलेबस जो है 50 to 55 days में कवर हो जाएगा। बट उसके बाद प्रोग्राम ये एंड नहीं होता, ये प्रोग्राम पूरे 3 महीने का है, ठीक है? तो उसके बाद से जो है रिविजन पीरियड होगा आपका, वहां भी आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। साथ में एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स शुरू करने से पहले आपको मेंटरशिप कम गाइडेंस सेशन मिलेंगे। तो उस सेशन में ये होगा कि एथिक्स के बारे में जो सब्जेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उसको कहाँ से पढ़ना है और क्या चीजें पढ़नी, वो प्लस इसके साथ साथ और कैसे क्या आपको सपोर्ट वीडियोज और नोट्स मिलेंगे। जैसे एथिक्स है, अब एथिक्स में आप सबको पता है कि जो है आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, आपको जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनकी डेफिनेशन चाहिए, तो उनके लिए सपोर्ट वीडियोज और नोट्स मिलेंगे। तो ये तो जो है शेड्यूल के थ्रू, ये शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा लेट मी टेल यू मोर फीचर्स अबाउट दिस कोर्स, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और जो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। तो जैसे जो मेंटरशिप और गाइडेंस सेशन की मैंने बात की थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत जो है इन डेप्थ एनालिसिस और डिस्कशन होगा, ताकि आपको पता हो कि क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी। सिलेबस का भी 360 डिग्री एनालिसिस होगा, यानी सिलेबस के हर एक टॉपिक में भी सब टॉपिक्स को आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये चीजें आप यहां से पढ़ सकते हैं, ये चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते, ठीक है? इंपॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटी एरियाज क्लियरली आपको जो है एक लिस्ट बना के दे देंगे, से एथिक्स हो या सोसाइटी हो उसकी, कि यार ये इंपॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटी एरियाज है, इस पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, ये आप जरूर पढ़ना। प्लस जो आपको जो है यहाँ पे ये भी बताएंगे इन सेशन में कि आपको क्या चीजें जो है पढ़नी है, स्पेसिफिकली क्या चीजें आपको पढ़ते वक्त निकालनी है, जिस जो आप आंसर्स बनाने में जो है लिख सकते हो, अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए जो है आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, या कुछ फैक्ट्स या कुछ कीवर्ड या कुछ डेटा जो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। प्लस ऐसा नहीं है कि बस एक जो है गाइडेंस और मेंटरशिप का सेशन दे दिया आपको और हो गया, इसके साथ साथ जब आप पढ़ते रहोगे तो हमें पता है कि एथिक्स में जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट वीडियो और नोट चाहिए, तो इस तरीके से थ्रू आउट आपको चाहे
कोर्स के स्टैटिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उस पर सपोर्ट वीडियो और नोट्स मिलेंगे, या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे जो हमें लगता है बहुत ही हाई प्रायोरिटी हाई प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेटली आएंगे, उस पर आपको सपोर्ट वीडियोज और नोट्स देते रहेंगे, ताकि एक तरीके से आप खुद से तो पढ़ रहे हो बट उसमें हमारी तरफ से आपको गाइडेड वे में खुद से पढ़ रहे हो, बट वी नो कि कुछ एरियाज है जो आप खुद से आपको करने में ज्यादा टाइम लगेगा या आप खुद से नहीं कर पाओगे, राइट, वहां पे आपको सपोर्ट वीडियो और नोट्स देंगे हम। साथ ही साथ ये नहीं है कि यहीं पे खत्म हुआ ये मेंटरशिप सेशन, आपको जो है 1-to-1 इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअली एक सेशन आपको वीकली मिलेगा जहां आप जो है मेंटर से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, राइट, 15 से 30 मिनट का सेशन होगा और ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट दी पर्पज इसका ये होगा कि आप 1-to-1 बात करके अपने ईच एंड एवरी डाउट जो है जो प्रिपरेशन में जो भी आपकी जो यू नो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा आपका मेंटर्स के साथ, तो आप टेलीग्राम के थ्रू भी रेगुलरली कनेक्टेड रह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलिंग सेशन आप टेलीग्राम के थ्रू रेगुलरली कनेक्टेड रह सकते हैं मेंटर्स से। इसके साथ जो मेंटरशिप सेशन आपको यूपीएससी टॉपर्स के साथ भी करवाएंगे, जहां टॉपर से पूछ सकते हैं कि उनकी क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटजीज रही है, ठीक है, अगेन ये लिमिटेड रहेंगे बट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टॉपर्स ने एग्जैक्टली, जब आप इंडिविजुअली आस्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपर्स ने एक्चुअली क्या किया था, ठीक है। बैचेस का साइज काफी स्मॉल रखा है ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे पाए। एक और एडवांटेज आपको ये होगा कि यहाँ पे एक पेयर ग्रुप आपका बन जाएगा, हो सकता है कि स्मॉल बैच है आपका उसमें आपको ऐसे 4 लोग या 3 लोग मिल जाए जिनका ऑप्शनल सेम है, या ऐसे 4 या 3 लोग मिल जाए जो सेम टेस्ट सीरीज लगा रहे, तो ये पीयर ग्रुप का सपोर्ट ट्रस्ट मी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पर्सनली कुछ लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके पीयर ग्रुप पे पहले एक पर्सन का हुआ, फिर दूसरे का हुआ, फिर तीसरे का हुआ, सबका एक साथ हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट आपने भी अभी देखा होगा कि कई लोग जो है पीयर ग्रुप जैसे के थ्रू भी जो है फ्रेंड्स के थ्रू सपोर्ट के थ्रू, या कोई सिस्टर्स जो है जिनका जो है एक साथ हुआ है क्योंकि वो साथ में पढ़ती थी एक दूसरे को हेल्प करती, तो पीयर ग्रुप सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। प्लस आपके मेंटर्स कौन होंगे, ये ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, तो आपके मेंटर्स जो आपके एडुकेटर्स है इंक्लूडिंग मी वो होंगे, हमारा कलेक्टिव एक्सपीरियंस है 10 इंटरव्यूज एंड मोर देन 20 मेंस का, तो आप समझ सकते हो कि कितनी चीजें हमने जब इतना सब कुछ जो है इतना बार ये क्लियर किया एग्जाम को, तो हमें काफी चीजें जो है इसके बारे में पता होगी। प्लस इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानना है हमारे बारे में तो चैनल पे आप हमारे जो है वीडियोस देख सकते हो, हमारी टीचिंग स्टाइल हमारे मेंटरशिप और गाइड करने का स्टाइल आपको पता रहेगा। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर जैसा आपने शेड्यूल में देखा है। इसका प्राइस है 9,000 रुपीज ओनली, ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा आंसर राइटिंग कोर्स लिया है या जो लोग हमारा आंसर राइटिंग कोर्स अभी भी ले सकते हैं कुछ लोग, राइट, तो उनके लिए 20% डिस्काउंट रहेगा इस कोर्स की फी में। और साथ में जिसको एनरोल करना है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एनरोल करना है प्रोग्राम में, प्लीज फिल द इंटरेस्ट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज उसको फिल आउट करिए, प्लस जो शेड्यूल में आपको दिखाया था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्टली आई वुड से ओनली दिस थिंग कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं या जिन लोगों का एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा है, ठीक है 2-3 दिन का ब्रेक लो, बट अब प्लीज स्टार्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी, सी दिस इज व्हाट वी आई एम सेइंग फ्रॉम माय साइड कि ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपका हार्डवर्क प्लस हमारा गाइडेंस, ट्रस्ट मी आपकी जो है प्रिपरेशन अलग लेवल पे ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।